जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एम्स एकेडमी पालमपुर। आज जो हम करेंगे एचपी पटवारी एक्सपेक्टेड मैथ क्वेश्चन पार्ट टू। चलो दोस्तों शुरू करते हैं एचपी पटवारी एक्सपेक्टेड मैथ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 54, फाइंड द लीस्ट अमंग दम। मतलब तीन लगातार सम संख्याओं का योग 54 है, तो उनमें से सबसे छोटी क्या है। तो पहले समझते हैं ये लगातार कंसेक्यूटिव समझते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब जैसे मैं बोलूंगा कि कोई प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर की अगर कंसेक्यूटिव नंबर बोलूंगा तो आप बोलोगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोलूंगा तो वो कैसे चलेंगे दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10। अगर मैं बोलूंगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तो कैसे चलेंगे दोस्तों, 1, 3, 5, 7, 9, है ना दोस्तों। तो अब हमें एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर। मतलब क्या है कि तीनों के तीनों क्या इवन नंबर है पर एक पैटर्न में है, कुछ भी हो सकते हैं मुझे नहीं पता। मतलब उसके कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं वो तीन नंबर ए बी सी, उनका जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ दोस्तों 54 दिया, तो मैंने लिख दिया भाई 54 दिया हुआ। अब मुझे क्या पता कि कौन सी संख्या कहाँ पर है। अब ए 20 भी हो सकता है, बी अपना 22 भी हो सकता है, सी अपना 24 भी हो सकता है, पर उनका जो सम आना चाहिए वो 54 आना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो दोस्तों आप क्या करो, सम तो दिया हुआ दोस्तों, आप एवरेज निकाल लो। एवरेज मीन मतलब औसत। अगर औसत निकाल लोगे तो औसत क्या होती है दोस्तों, सेंटर वाली वैल्यू। तो मतलब आपकी जो सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी तो आप आसानी से स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। मतलब क्या, तो आप लिखो हमेशा, तो टोटल नंबर जो होते हैं अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ दोस्तों, एवरेज के साथ, तो हमेशा क्या निकल के आता दोस्तों, सम निकल के आता। तो अब मुझे सम तो पता है दोस्तों 54 है, अब संख्या भी पता दोस्तों 3 है, तो मतलब मैं एवरेज निकाल सकता हूं दोस्तों। तो एवरेज कितनी आ गई दोस्तों, तो एवरेज आ गई आपकी दोस्तों 54 अपॉन कितना आ गया 3, 3 1 3, 2 कितना आ गया दोस्तों 18। मतलब क्या कि B की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 18। तो 18 अपने आप में क्या है दोस्तों, सम संख्या है। तो अब मुझे पता कि औसत निकाल ली, एवरेज निकाल दी, मतलब सेंटर वाली वैल्यू। अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो मतलब अगला इवन नंबर क्या आएगा दोस्तों, नेचुरल है 20 आएगा, उससे पिछले वाला नेचुरल नंबर क्या आएगा, मतलब सॉरी इवन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा। तो हमसे क्या पूछा, उनमें से सबसे सबसे कम कौन है दोस्तों, तो आपको पता है कि सबसे कम कौन है दोस्तों, 16 है। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, कि कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। तो मतलब 2/15 छोटा है, कि 5/6 छोटा है, कि 7/3 छोटा है, और यह 4/5 छोटा है। मतलब तो आप देखो दोस्तों कि आप जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट लगाओगे तो सॉल्व करोगे, इतना टाइम नहीं एग्जाम में, तो आप बड़े तरीक़ों से इसको, आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, आप इसको परसेंटेज में कर सकते हो, पर मैं इसको बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि आप इसकी रेशियो बना लो। जब आप इसकी रेशियो बना लोगे ना तो एक नंबर कोई ना कोई छोटा आ जाएगा, दैट इज़ आंसर आपका। मतलब क्या, नीचे वालों का एलसीएम ले लो, तो नीचे वालों का जब आप एलसीएम ले लोगे तो 15, 6, 3 और कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। जब भी इसका एलसीएम लोगे तो आपको निकालने आता ही होगा, एलसीएम तो सभी को आता है दोस्तों। तो 3 से काटा, फिर मैंने किससे काट दिया, 5 से ये काटा, तो 2, 1 कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, और ये 2 से काटा तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 5, 2, 10 कितना आ गया दोस्तों, 30 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, मेरा 30 आ गया। अब देखो नीचे वाला नहीं लिखना, नीचे वाला सभी क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गया। अब आपको पता होगा 15 से 30 काटा कितना बचता है, 2, तो 2 दोगुने कितना होता है दोस्तों 4, तो रेशियो बन गई दोस्तों। और 6 से काटा कितना आया, 5, 5, 5 कितना दोस्तों 25, 3 से काटा 10 कितना आ गया दोस्तों 70, और 5 से काटा 6 कितना आ गया 24। अब देखो सामने दिख रहा स्मॉलेस्ट कौन सा है दोस्तों, 4 स्मॉलेस्ट है दोस्तों। आंसर क्या आ गया दोस्तों, 2/15 इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टू नंबर्स आर द रेशियो 3:4, इफ द एचसीएफ इज 4 देन देयर एलसीएम इज। मतलब क्या दोस्तों, अब कभी भी क्वेश्चन क्रैक करना तो सबसे पहले ना अपने तरीके से सोचो। अब आपको दो नंबर दिए हुए 3:4, तो ऐसे सोच लो कि आपके मुताबिक जो पहला नंबर है वो 3 है और आपके मुताबिक जो दूसरा नंबर है वो क्या दोस्तों, 4 है। तो अब एचसीएफ जो होता है वो हिंदी में म स ब बोला गया, महत्तम, ठीक है। जो एलसीएम होता है उसे ल स ब बोला गया, मतलब लघुतम। अब आपको पता है कि मसब जो एलसीएफ लेते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखता है, मतलब कॉमन देखता है, और जो एलसीएम लेते हैं आप क्या देखते हो, मल्टीपल देखते हो, एम का मतलब मल्टीपल देखते हो। तो आपके मुताबिक जो पहला नंबर है वो 3 है, आपके मुताबिक दूसरा नंबर कितना, 4 है। अगर आप इसका एलसीएफ लेते हो अपने मुताबिक, तो आपके मुताबिक कितना आता है दोस्तों, 1 ही आता, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है, पर आपके मुताबिक कुछ नहीं होगा। तो एग्जामर क्या देता है, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है वो कितनी दी है, एलसीएफ कितना दोस्तों, 4। तो बस डायरेक्ट कंपेरिजन कर दो कि आपका एक एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया।
गया। अब आपसे क्या पूछा, एलसीएम, तो आपके मुताबिक एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों, आपके मतलब आपके मुताबिक जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 3 और 4 आ रहा है, 3 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा दोस्तों 12, तो आपके मुताबिक कितना आ रहा है दोस्तों 12, तो बस इसको क्या कर दो आपका 12, तो बस 4 से गुणा कर दिया, तो आपके मुताबिक जो एससीएफ का आया 12 आया था, पर एग्जामर के मुताबिक कितना आया दोस्तों 48 आया, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 0.0, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझो, अगर मैं बोलूं कि 0.02 को अगर प्लस करना हो दोस्तों 0.4 से, तो आप कैसे प्लस करते हो दोस्तों, आप हमेशा ऐसे करते हो 0.02 लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, 4 लिखोगे, तो आप लिखोगे 0. कितना होता है दोस्तों 42 होता है, एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अगर यही सेम क्वेश्चन होता और -0.4 लिखा होता तो आप क्या बोलते, प्लस माइनस माइनस, आप बोलते कि भाई 0.4 बड़ा है तो आप इसको माइनस कर देते, तो माइनस भी आप सेम करते, तो यहाँ 7 वाले लिए 0, तो आप को माइनस करते तो यहां से कैरी लिए 8, तो कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया, और कितना आ गया दोस्तों ये 3, तो कितना आप बोलते कि 0.38, एग्री करते कि नहीं करते हो। अगर यही सेम क्वेश्चन होता, अगर आपको क्या करना होता, मल्टीप्लाई करना होता, तो हमें टेंशन हो जाती मल्टीप्लाई करना, तो आप ये सोचो कि आपने जब भी ये क्वेश्चन करने तो आपने सोचने कि यहां पॉइंट है ही नहीं, अगर यहां पॉइंट है ही नहीं तो आप ये सोचो कि यहां पॉइंट है ही नहीं तो क्या है, मतलब 2 है समथिंग है, यहाँ पॉइंट है नहीं तो आप समझ लो कितना दोस्तों 4, तो मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा कितना होता है दोस्तों 8 होता है, तो मैंने 8 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 1 2, यहाँ पर 2 है, और पॉइंट के बाद यहाँ कितने टर्म है दोस्तों 1 टर्म है, टोटल कितनी होगी 3, तो बस 3 टर्म के बाद पॉइंट लगा दो, देखो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लगा दिए, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 0.008 आ गया। समझ आया, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ऐसे करना है, प्लस में ऐसे करना है और माइनस में हमेशा ऐसे करना है। तो अब देखो अगर डिवाइड में आ जाता, यही सेम क्वेश्चन डिवाइड में आ जाता तो घबराना नहीं, देखो डिवाइड में भी क्या करना दोस्तों, जो राइट साइड होता ना, जो ये वाला राइट साइड होता है, ये नीचे चला जाता, तो नीचे लिख दिया 0. कितना लिख दिया दोस्तों 4 लिख दिया। अब यहाँ भी सोचो कि पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर क्या दोस्तों 2 और 4 ही है, तो काटा कितना आया दोस्तों 1y, कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, पर यहाँ देखो पॉइंट, अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों, तो इसको ऐसे काटो कि पॉइंट के बाद यहाँ कितने टर्म है 2, तो ऐसे 2 लिख लो। अब पॉइंट के बाद यहाँ कितने टर्म है दोस्तों 1 है, तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों 1 लिख लो, फिर इन दोनों का कॉम्पिटिशन करो कि यहाँ पर ये काटा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा, मतलब ऊपर 1 बच जाएगा, तो बस ऊपर 1 बच गया, तो मतलब आपके पास आ गया 0.1/2 आ गया, तो मतलब इसको लिख सकते थे आप 1/20 लिख सकते थे, तो अभी आपको पता लग गया। देखो इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं, तो क्या लिखो दोस्तों 0.008 मल्टीप्लाई, तो 0.01 मल्टीप्लाई 0.0 मतलब 072 और डिवाइड लिखो, तो मुझे पता है बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है दोस्तों ब्रैकेट सोल्व होती है, तो चलो ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या दोस्तों मल्टीप्लाई हुई, तो आप पॉइंट से डरो मत, आप सीधा देखो यहाँ पॉइंट नहीं होता तो मतलब 12 होता, यहाँ पॉइंट नहीं होता तो क्या होता दोस्तों 4 होता, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जो कितना होता है दोस्तों 48 होता है, मतलब इस चीज़ को मैं सेम टू सेम लिख लेता हूँ कि आपको घबराहट ना हो, तो मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.072 कितना आ गया दोस्तों डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई, मैंने बोल दिया कि आप इसको क्या कर दो दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो 12 4 जो कितना होता है दोस्तों 48 होते हैं, मैंने लिख दिया दोस्तों 48 होते हैं ना 48 है। अब देखो पॉइंट इस यहाँ के इस पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 2 है और इस पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 2 2 4, मतलब टोटल कितने होगी 6 होगी, तो गिनो देखो 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट लग गया और क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया, लगा पता कि लगा पता। अब बोर्ड मास आगे बोलता है डिवाइड बोलता है, तो क्या होगा दोस्तों ये डिवाइड होगा, तो इसको नीचे ले आते हैं, तो 0.008 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया दोस्तों 0.072। इसको आप शॉर्ट में कर सकते थे पर आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ ताकि आने वाले क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये आ गया। अब ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन हो रही, सामने दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो आप ये सोचो मत कि ऊपर पॉइंट है, आप ये सोचो कि यहाँ पर कितना 8 है, यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर कितना 72 है, तो मतलब आपने डायरेक्ट 72 को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आया दोस्तों 16 1 और कितना 57 आ गया, तो आप लिख दो कितना आ गया दोस्तों 576 आ गया। अब पॉइंट के बाद यहाँ टर्म में कितने दोस्तों 3, पॉइंट के बाद कितने दोस्तों 2 हो गई, 5 और 5 3 के तो 8, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और पॉइंट लगा दिए दोस्तों, बस सिंपल है। अब यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 0.1234 और कितना आ गया 48। अब यहाँ सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट है नहीं तो मतलब मुझे डिवाइड करना है, अगर इसको मैं काटूंगा 2 से काटा कितना आया 24, 2 से काटा कितना आया दोस्तों 188, 2 से काटा 12 और 2 से काटा 144 और मुझे पता 12 से ये कट जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा, तो मतलब आंसर कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया, पर नहीं अभी पॉइंट का सिस्टम देखो, पॉइंट के बाद कितने टर्म है ये 8 है, तो मैंने बोला ऐसे काट लेना है तो 8 है। अब पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 6, तो अभी 6 लिख दो। अब मुकाबला हुआ तो ये कट गया तो ऊपर वाला जीत गया, तो 2 पॉइंट ऊपर लगेंगे, तो 1 2 तो ऊपर 2 पॉइंट लग जाएंगे, आंसर कितना आ गया 0.12 आ गया, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 116, मतलब क्या कि तीन नंबर का जो सम है वो 116 है। द रेशियो ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड थर्ड सेकेंड टू द थर्ड इज 9:3, मतलब ये हमें बोल रहा है कि सम के साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हमेशा अपने तरीके से सोचो। तो रेशियो दी हुई किसकी दी हुई दोस्तों, सेकेंड और दोस्तों थर्ड की क्या दी हुई दोस्तों, रेशियो दी थी कितनी दी हुई दोस्तों, 9:16 कितनी दी हुई, 16 दी हुई है। आगे के दी हुई द फर्स्ट टू द थर्ड, मतलब क्या फर्स्ट और थर्ड की क्या दी हुई दोस्तों, रेशियो दी कितनी दी हुई दोस्तों, 1:4 कितनी दी हुई दोस्तों, 4 दिया। और मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई दोस्तों, सम दिया हुआ है इनका, जो सम दिया वो 116 दिया, और हमसे पूछ रहा है कि भाई वो निकालो द सेकेंड नंबर निकालो। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को क्रैक करना तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा, तो चलो समझते हैं। अब सेकेंड नंबर बोला तो अब मुझे बताओ जो, अब ये सेकंड नंबर आपका 9 है तो एग्री करता हूँ मैं, जो पहला नंबर 1 है ये भी एग्री करता हूँ, पर यहाँ देखो ये थर्ड नंबर 16 आ रहा है, यहाँ थर्ड नंबर कितना आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है, तो मतलब ये क्या, ये सेम करने पड़ेंगे, ये तो 16, क्या मैं इसको 16 कर सकता हूँ? हाँ, रेशियो में अगर आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो रेशियो के रहती है दोस्तों सेम रहती है, तो मैं इसको क्या कर दिया दोस्तों, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया दोस्तों, ये 16 और ये कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। अब अच्छा लग रहा है, अब मेरे मुताबिक जो पहला नंबर है ना वो कितना है, 4 है, मेरे मुताबिक जो दूसरा नंबर है ना वो कितना दोस्तों, 9 है, मेरे मुताबिक जो तीसरा नंबर है ना दोस्तों वो कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया, लगा पता कि नहीं लगा पता। अब मुझे बोला कि इनका जो सम है वो 116 एग्जामर के मुताबिक, आपके मुताबिक कितना सम आ रहा, अगर आप अपने मुताबिक इनका सम करो तो आपके मुताबिक आ रहा 16 4 कितने, तो 20 कितना आ रहा, 29 आ रहा, आपके मुताबिक सम कितना आ रहा दोस्तों, 29 आ रहा। बस अब क्या करो दोस्तों, कंपेरिजन करो कि आपका 29 एग्जामर का कितना आ गया, 116 आ गया, तो हमेशा आपका एक एग्जामर का कितना आ गया, 116 बटा कितना आ गया दोस्तों, 29 आ गया, 29 से ये काटा दोस्तों, 29 चौके कितने होते हैं दोस्तों, 116 होते हैं, तो मतलब आपका एक एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। आपसे पूछा है द सेकंड नंबर, आपके मुताबिक जो सेकंड नंबर है वो कितना दोस्तों, 9 है, तो 9 का कितना आ गया दोस्तों, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया दोस्तों, 36 आ गया, मतलब आपके मुताबिक जो आंसर आ गया दोस्तों 36 आ गया, पर यहां पर 52 64 42, तो मतलब ये सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ई है, गलती से लिख दिया होगा, तो आंसर क्या आया दोस्तों इसका, 36 आया। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू इक्वल ग्लासेस फिल्ड विद द अल्कोहल एंड वाटर द प्रोपोर्शनल कितना दोस्तों, 2:1 एंड 3:2, मतलब क्या कि दो ग्लास दिए हुए हैं, मतलब ऐसे में बना लो, दो ग्लास बना लो, इसमें भी क्या दोस्तों, अल्कोहल को मैं ए लिख लेता हूँ और वाटर को मैं क्या लिख लेता हूँ दोस्तों, डब्ल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए डब्ल्यू लिखता है, जो पहला कंटेनर है उसमें जो अल्कोहल है वो 2:1 कितने दोस्तों, 1 है, इसमें जो अल्कोहल है वो कितने दोस्तों, 3:2 है, तो आराम से एग्जाम की तैयारी करो दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन को आराम से करते हैं। अब देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब इसे एम्प्टी कर दिया, दोनों को एम्प्टी कर दिया और थर्ड ग्लास में उनको अल्कोहल वाटर को मिक्स कर दिया, तो थर्ड ग्लास में जो रेशियो होगी वो क्या होगी, मतलब अल्कोहल और पानी को भरे दो ग्लास में इतने रेशियो में, तो मतलब इन दोनों को मिक्स करना किस में दोस्तों, थर्ड ग्लास में, ये पहला है ये दूसरा है, इन दोनों को मिक्स करना किस में, मिक्स कर देना दोस्तों थर्ड में, मिक्स कर देना। तो याद रखना कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आ जाए और रेशियो में आपको मिक्स करना हो तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, रेशियो को आप हमेशा मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो रेशियो के रहती है सेम रहती है, पर कभी भी प्लस करने की जरूरत पड़ जाए तो हमेशा आप क्या करना कि अल्कोहल आपके मुताबिक यहां कितने, 2, तो आप लिख लो 2, पर हमेशा टोटल भी नीचे लिख लो तो आप रेशियो को हमेशा प्लस कर सकते हो, तो आपके मुताबिक जो अल्कोहल है वो कितने आगे, 2/3 आगे, मतलब रेशियो में आ जाएगा। आपके मुताबिक यहाँ जो वाटर है वो कितना आ जाएगा, 1, वाटर 1 है ना, टोटल कितना आ गया दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पर सेम करते हैं, यहाँ पर अल्कोहल कितने आएगी, 3, और टोटल कितना दोस्तों, 5, ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर वाटर कितना दोस्तों, हमेशा आपका 2 है और टोटल कितना दोस्तों, 5 है। अब देखो प्लस करो, देखो अल्कोहल अल्कोहल क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी, पर यहाँ नहीं, मैं ऊपर करता हूँ दोस्तों, देखो अल्कोहल और क्या आ जाएगा दोस्तों, वाटर, तो अल्कोहल पहले में कितने, 2/3 है, तो प्लस दूसरे में कितने दोस्तों, 3/ कितने दोस्तों, 5 है, और दूसरे में वाटर जो है पहले में वो 1/3 है और दूसरे में कितना दोस्तों, 2/5 है। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये 15 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10/ प्लस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा दोस्तों 15 और ये 5 प्लस कितना आ जाएगा, 6, 15 से 15 काटा तो इनको मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 19:11 में ये क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे, तो मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, मतलब साइड ऑफ द ट्रायंगल की रेशियो दी है 1/3 / 1/4 / 1/5, मतलब ट्रायंगल कैसा होता है दोस्तों, आपको पता है ऐसे होता है, इनकी साइड्स दी हुई है रेशियो में, पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको एक सूत्र में मान लेते हैं, एक सूत्र में कैसे मान सकते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लो दोस्तों, 3 4 5, इसका एलसीएम लिया दोस्तों, आपको आता होता
आपको आता होगा लेने। तो इसको करते हैं दोस्तों, फोर से काटा कितना आया दोस्तों, वन आया। कितना आया दोस्तों, फाइव आया। कितना आया दोस्तों, फाइव वन वन आ गया। और इसका एलसीएम लोगे तो फाइव फोर या ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री कितना होता है दोस्तों, सिक्सटी आ गया। तो इसका सिक्सटी आ गया। थ्री से काटा कितना आया दोस्तों, ट्वेंटी। फोर से काटा कितना आया दोस्तों, फिफ्टीन। फाइव से काटा कितना आया दोस्तों, ट्वेल्व आया। मतलब क्या, ये आपके मुताबिक क्या आ गई, साइड्स आ गई। मतलब आपके मुताबिक एक साइड बीस है, एक कितनी पंद्रह, एक कितनी बीस है, पर आपके मुताबिक कुछ होगा नहीं। एग्जामर के मुताबिक, एग्जामर बोल रहा है इट्स पैरीमीटर इज 94। पैरीमीटर क्या होता है दोस्तों, परिधि लिखो, परिमाप भी लिख सकते हो। मतलब ये जो बाहरली चीज़ होती है, मतलब ये जो ये बाहर वाली चीज़ है ना, इसे परिधि बोला गया दोस्तों। इसको पैरीमीटर भी बोलेगा या परिमाप भी आप बोल सकते हो, कि ट्रायंगल का क्वेश्चन। तो आप इसको, तो बाहर वाले का जो सम दिया हुआ है दोस्तों, ये बाहर सारा सम हो रहा है, वो 94 दिया। आपके मुताबिक कितना दोस्तों, तो आपके मुताबिक ये रेशियो में दोस्तों, ये कितना दोस्तों, 20:15, रेशियो कितना दोस्तों, 12 है। तो आपके मुताबिक ये सम कितना, पैरीमीटर कितना आ जाएगा, तो सम हो जाएगा तो 47 है। तो आपका 47 है, एग्जामर का कितना दोस्तों, 94। हमेशा कंपैरिजन करो। तो आपका एक एग्जामर का कितना हो जाएगा, 94 अपॉन कितना आ जाएगा, 47। 47 से काटा कितना आया दोस्तों, 2 आया। तो आपका एक एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों, 2। आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा आपके मुताबिक कितनी दोस्तों, 12 है। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। मतलब आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन क्रैक करने हैं तो सबसे पहले अपने तरीके से सोचो, फिर एग्जाम्पल के मुताबिक न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपैरिजन करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको डायरेक्ट आपको मिल सके। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। मतलब क्या, एक लाइन ले लो ऐसे समझने के लिए, अगर मेरे जीरो नंबर आएंगे तो मैं क्या, 0% नंबर आएंगे। अगर मेरे फुल मार्क्स आएंगे तो कितना आएंगे दोस्तों, 100% आएंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। पर उसे पास होने के लिए बोले 33 चाहिए थे, मतलब उसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 33% चाहिए। मैंने लिख दिया भाई 33% चाहिए। बोले ही गोट, मतलब क्या, ही गोट टोटल मार्क्स एंड फेल इन 40 मार्क्स। मतलब वो फेल हो गया, तो मतलब उसके जो मार्क्स आए पीछे रह गया, मतलब के जो मार्क्स आ गए वो कितना आया दोस्तों, 25% आए। मतलब ये क्या आ गया आपके मुताबिक, मैक्सिमम मार्क्स आ गया, ये आपके मुताबिक क्या आ गया, पास आ गया। ये गॉट उसने प्राप्त किए दोस्तों, ये जीरो आ गया। अब देखो, अब उसने जैसे ही इसने 25% लिए तो वो फेल हो गया, तो कितने नंबरों से फेल हो गया, 40 मार्क्स से फेल हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि द नंबर ऑफ द टोटल मार्क्स, टोटल नंबर। तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन को पहले अपने तरीके से सोचो। देखो आपके तो जीरो नंबर आता तो 0%, उसने कितने लिए, 25% लिए, और पास होने के लिए 33% चाहिए थे, और टोटल मार्क्स कितना था दोस्तों, 100%। देखो अब कौन सी परसेंटेज मैच होगी, देखो 40 नंबरों से फेल हुआ है, तो मतलब आपके मुताबिक परसेंटेज में कितना फेल हुआ दोस्तों, तो 25 से गए, तो आपके मुताबिक जो परसेंटेज में फेल हुआ वो 8% से फेल हुआ। बस यहीं से कंपैरिजन कर लिया कि आपके मुताबिक 8% से फेल हुआ, एग्जामर के मुताबिक कितना हुआ दोस्तों, 40। तो आपका 8% एग्जामर का 40, तो मतलब आपका 1% एग्जामर का कितना आ जाएगा, 40 अपॉन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 से काटा कितना आया दोस्तों, 5। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5। तो टोटल मार्क्स कितना दोस्तों, 100 है। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो पूरा पेपर था वो कितने का था दोस्तों, 500 का था। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन सेल्स 2 पाइप्स एट 12 ईच। मतलब दोनों पाइपों को वो 12 रुपये में बेचता है, 12-12 रुपये में बेचता है। ही गेन 20% ऑन वन, मतलब एक में 20% का वो लाभ कमाता है, एंड लॉस 20% ऑन द अदर, मतलब क्या 20% से मतलब हार जाता है, मतलब हारता है, हार नहीं जाता, मतलब हानि होती है उसको। यहाँ गलत लिखा हुआ है, इन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब उसे पूरे लेन देन में क्या हुआ। अब देखो, उसने पहली चीज़ जो खरीदी होगी, तो खरीदना क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, मतलब हिंदी में बोला क्या, क्या बोला, क्रय मूल्य। अगर उसने पहली चीज़ अगर 100% से खरीदी होगी, तो पहली चीज़ अगर प्रॉफिट कमा रहा, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस, तो उसने जो बेची होगी वो कितने की बेची होगी, 120% की बेची होगी, कितनी बेची होगी, मैंने लिख दिया भाई 120% में बेची होगी। अच्छा, दूसरी की बात कर रहा, तो दूसरी भी उसने जो खरीदी होगी वो 100% से खरीदी होगी, अब वो हानि खा रहा है, तो मतलब 20% की हानि खा रहा, तो कितने की बेची होगी दोस्तों, 80% की बेची होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो पर यह एग्जामर बोल रहा है, अ मैन सेल 2 पाइप्स एट रुपीज 12 ईच, मतलब दोनों को 12-12 रुपए में बेचता, मतलब दोनों का जो विक्रय मूल्य होगा वो सेम होगा, पर इसका जो विक्रय मूल्य, जो सेलिंग प्राइस है वो 120 है, यहां जो सेलिंग प्राइस है वो कितना, 80 है। तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर, तो आप देखो ये लंबा आप मल्टीप्लाई क्यों करना, तो आप इसकी रेशियो बना लो। देखो परसेंट से परसेंट काटा, जीरो से जीरो काटा, तो ये कितना आ गया दोस्तों, छोटा हो जाएगा। देखो पहली चीज 5 रुपए की थी, तो कितने की बेचती, 6 रुपए की। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो परसेंट से परसेंट काटा, जीरो से जीरो काटा, तो कितना आ गया दोस्तों, तो दूसरी चीज 5 रुपए की थी, तो कितने की बेची, हानि में बेची, तो 4 के बेची।
तो मतलब इन दोनों का अगर मुझे विक्रय मूल्य सेव करना, तो अब आसान है कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों सेम हो जाए। तो इसको मैं 2 से कर दूँ तो 12 हो जाएगा, इसको भी मैं किससे 3 से कर दूँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अच्छा हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला भी क्या होगा इससे मल्टीप्लाई कितना रहेगा। तो पहली चीज़ 10 की खरीदी और 10 दूनी कितना, तो 12, तो 12 रुपये में बेची, सही हो गया। अब ये तीसरी तीन से मल्टीप्लाई हो गया तो 15 आ गया, और 4 दूनी कितना, तो 12। तो दूसरी चीज़ मैंने 15 की खरीदी और 12 में बेचती तो लॉस हो गया। अब देखो एग्जाम्पल के मुताबिक और मेरी सोच अब क्या होगी दोस्तों, मिल गई। अब देखो 12 12 रुपए में बेचे, तो अब हमसे पूछ रहा है कि 5 की हानि हुई, 3 की हानि हुई, 2 की हानि हुई। अब देखो कि दोनों 12 12 रुपए में बेची है, मतलब दोनों मिलकर कितने की बेची है दोस्तों, 24 रुपए में बेची है। तो पहली चीज मैंने कितने की खरीदी, 10 की खरीदी, और दूसरी चीज कितने की खरीदी, 15 की खरीदी है दोस्तों। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया। तो सामने दिख रहा है, तो पहले में मैंने 25 खरीदा, उन दोनों को मिलाकर मैंने 24 बेचा, तो मुझे क्या हुआ दोस्तों, 1 रुपए की क्या हुई दोस्तों, हानि हुई। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मतलब क्या कि 12,000 रुपये को 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 2 हिस्सों में बांटा गया। तो इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, बी मान लेते हैं। अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि पहले पार्ट में, मतलब इसको मतलब ए माना तो प्रिंसिपल को ए मान लिया, तो रेट कितना बांटा हुआ दोस्तों, इसको जो रेट दी हुई वो 12% दी हुई, या दिया हो कि एट द फर्स्ट पार्ट 3 ईयर एट 12%। मतलब क्या कि जो पहला वाला है वो 3 साल 12% प्रतिवर्ष में बेचा हुआ, इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट इन द सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है तो इसका टाइम कितना दिया दोस्तों, 3 ईयर दिया, मैंने लिख दिया भाई 3 ईयर है। जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये भी प्रिंसिपल है, तो इसका जो रेट है वो कितना दोस्तों, 16% यहाँ पर दिया दोस्तों, 16% है। अच्छा इसका जो टाइम दिया वो कितना दिया दोस्तों, 4 पॉइंट कितना दिया दोस्तों, 4.5 ईयर दिया, मतलब 4.5 साल दिया हुआ है दोस्तों। अब क्या बोला कि जो अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे ये बोल रहा है कि जो मतलब जस्ट सिंपल इंटरेस्ट, जस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट मे बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट। मतलब हमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि पहले जो पहला जो पार्ट होगा, पहला पार्ट होगा उसका जो ब्याज होगा, उसका जो ब्याज होगा दूसरे ब्याज के क्या दोस्तों, बराबर है। यहाँ लिखा होगा दोस्तों, हिंदी में भी लिखा होगा, ताकि पहले भाग को 3 साल 12% प्रतिवर्ष में साधारण ब्याज और 4.5% के दूसरे भाग का जो साधारण ब्याज होगा वो बराबर है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों बराबर है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करना है, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करेक्ट करना है, हमेशा परसेंटेज से करेक्ट करो। देखो रेट जो होती है वो साल का ब्याज होता है, तो इसमें पहले पार्ट में अगर रेट 12% है, मतलब साल का ब्याज कितना लग रहा है, 12% लग रहा है। अगर 12% ब्याज लग रहा है तो 3 साल में मेरा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36% हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब जो दूसरे ब्याज का मेरा कितना, जो दूसरे की जो रेट है वो 16% है, अगर 16% है तो 4.5 में कितना हो जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4.5 मल्टीप्लाई कितना आ गया 16, 16.5 जो कितना होता है दोस्तों 80, कितना आ गया दोस्तों 8, और 16.4 जो कितना होता है दोस्तों 64 होते हैं, 16.4 जो 64, और 64 में 8 डाले कितना होता है दोस्तों 72 होता है। पॉइंट यहाँ लगा तो कितना आ गया दोस्तों 72% आ गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब बोला इन दोनों का जो ब्याज है वो बराबर है, बस बराबर कर लो, तो बस 36% इसका ब्याज लगा, तो वो क्या है दोस्तों बराबर है। बराबर है किसके बराबर है दोस्तों, ए के बराबर है, मतलब ए से ही निकलेगा 36%, मतलब प्रिंसिपल से ही निकलेगा जो पहले का, और वो बराबर है किसके बराबर है दोस्तों, दूसरे के बराबर है। तो आप लिख दो 72% ऑफ द बी के बराबर है। एग्री करते हो। अब ए इधर ही रहा दोस्तों, रेशियो पूछी है ना, तो इसकी 1200 की तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि रेशियो जो पूछी हो तो आसानी से निकल जाती है दोस्तों। तो बी कहाँ गया दोस्तों, नीचे, और ये 72 कहाँ रहा दोस्तों, ऊपर, और ये 36 कहाँ चला गया दोस्तों, नीचे चला गया। तो ये परसेंट से परसेंट काटा, 36 से काटा कितना आया दोस्तों 2, तो मतलब क्या ए अपॉन बी कितना आ गया दोस्तों 2/1, मतलब क्या ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 2, और बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 1 आ गया। मतलब जो हिस्सा जो बांटा हुआ था वो 2:1 में बांटा हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमेशा आप परसेंटेज में सोचो। वैसे तो मैं ये करवाऊंगा ही, जैसे पटवारी का एग्जाम हो जाता है दोस्तों, तो मेरी जो भी है जितने भी मैथ के जो भी लेक्चर होंगे, तो उनकी मैं हर चैप्टर के अलग अलग से सारे क्वेश्चनों को मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे पटवारी के एग्जाम के बाद करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैंने परसेंटेज की तो सीरीज डाल दी है, उसमें बेस लेवल डाल दिया, मीडियम लेवल डाल दिया, कल मैं उसमें मीडियम लेवल का सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज भी डाल दूंगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन विच सम ऑफ द मनी विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इन 5% पर एनुअल। मतलब क्या कि हमें बोला कि कोई पैसा है उसका कोई रेट है सेम ही है, टाइम भी क्या है दोस्तों सेम है, बोले कि एक तो सिंपल इंटरेस्ट है और एक क्या है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट है, पर हमें क्या दिया दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो एग्जाम्पल के मुताबिक कितना दोस्तों 25 है। रेट भी दी हुई कितनी दी हुई दोस्तों 5% दी हुई है, और जो टाइम दिया वो कितना दिया दोस्तों 2 साल दिया। तो कभी भी क्वेश्चन जो क्रैक होता है तो अपने मुताबिक होता तो दोस्तों, तो हमेशा जो खेलना अपने रेट के साथ खेलना है। तो मतलब क्या आपके मुताबिक 100% होगा 1 साल में, तो कितना हो जा रहा है दोस्तों 105% हो जा रहा है। मैंने फ्रैक्शन बनाई इसकी क्योंकि मैं शॉर्ट कर लेता हूँ कि आसान रह जाएगा, कि 20 रुपया था कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया। तो अगले साल भी कितना होगा दोस्तों 20 से कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो इसको, देखो 20 से 21 हो रहा है 1 साल में, तो अगला जो पैसा हो वो 21 से बढ़ेगा ना दोस्तों, एक पैटर्न फॉलो होता है। तो ये 21 और 20 ये दोनों क्या दोस्तों सेम है। तो आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा सभी ने, अगर पटवारी की आप तैयारी कर रहे हो तो ए रेशियो बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों बी रेशियो सी मान लेते हैं, पर ये क्या दोस्तों सेम नहीं है, तो इसको एक सूत्र में बांध लेते हैं दोस्तों। तो ए रेशियो बी रेशियो कितना आ जाएगा सी आ जाएगा, तो बी अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों 21, इसको एक सूत्र में बांधा बी कितना आ गया दोस्तों सामने वाला 21। तो ये सभी को अपने तरीके से आप कर लेना, तो यहाँ से मैं आपको समझा पाऊंगा। तो कितना आ गया 400, ये कितना आ गया 420 और ये कितना आ गया 441। मतलब क्या कि पहले साल मेरे पास जो पैसा था मेरे मुताबिक जो प्रिंसिपल था वो 400 था, 1 साल में जैसे 5% लगा तो मेरे पास कितना हो गया 420 हो गया, फिर से 1 साल लगा क्योंकि टोटल 2 साल थे, तो लास्ट में मेरा जो अमाउंट है वो कितना आ गया दोस्तों 441 आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट कितना आ गया 441 आ गया। अब देखो पहले साल का जो ब्याज लगा वो 20 रुपये लगा, ठीक है एग्री करते हो, और दूसरे साल जो ब्याज लगा कितना लगा दोस्तों 21 लगा। तो ये सारा पैटर्न है, तो इनको मैं प्लस कर दूं। अब देखो अब आपने अपने अपने मुताबिक सब कुछ सोच लिया, तो अपने मुताबिक लिखते हैं दोस्तों। देखो कि आपके मुताबिक जो प्रिंसिपल है वो कितना दोस्तों 400, तो आपने लिख दिया भाई 400 है। तो आपके मुताबिक जो अमाउंट है वो कितना दोस्तों 40-41 है, मतलब आपने लिख दिया 40-41 है। अब देखो आप ये 20 और 21 को प्लस कर दो तो ये आपके मुताबिक क्या आ जाता दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता, तो आपके मुताबिक कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया दोस्तों 41 आ गया। पर अब आपके मुताबिक क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। देखो पहले साल जो ब्याज है वो कितना लगा दोस्तों 20 लगा है, तो मुझे बताओ कि पहले साल ब्याज अगर आपका 20 लगा है तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहता है, तो दूसरे साल भी कितना लगेगा दोस्तों 20 रुपये लगेगा, तो 20-20 कितना होता है दोस्तों 40 होते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 साल में 40 रुपये। देखो इन दोनों का आपके मुताबिक डिफरेंस कितना दोस्तों 1 है, तो बस ये अपने मुताबिक सोच लिया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा, जब पूरी सीरीज करवाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तब आप और भी आसानी से समझ पाओगे। अगर आपने अपने तरीके से सीखा होगा तो आप अपने तरीके से कर लेना। मैंने जो जस्ट ये जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, तो मैं इनको सॉल्व भी कर रहा हूँ अपने तरीके से, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बड़ी अच्छे से। तो देखो दोस्तों तो आपका एक हमेशा कंपैरिजन करो कि आपका एक एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया। देखो आपका एक एग्जामर का कितना आ गया 25, देखिए तो आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपके मुताबिक कितना दोस्तों 400, तो आपका 400 एग्जामर का कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई कितना आएगा 400 आ जाएगा, तो 0 0 कितना आ जाएगा दोस्तों 1, तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो मतलब आंसर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते थे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द 3 men और 4 women कैन प्लॉट अ फील्ड इन 43 डेज। मतलब क्या कि कभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना कि टाइम इनटू एब्सेंस इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों वर्क होता है, याद रखना। मतलब क्या कि जब भी समय क्षमता के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकलता है दोस्तों कार्य निकलता है, एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब बोला कि कोई फील्ड ऐसे समझो कि कोई प्लॉट है, अगर इसको अगर तीन अगर आदमी आते हैं तो इसको काम 43 डेज में कर देंगे, 3 men आते हैं। अगर 3 men नहीं आते तो या तो क्या सकते हैं दोस्तों 4 women आ जाए तो इसे कितने दिन में कर देंगे 43 डेज में कर देंगे। मतलब क्या मुझे कभी भी क्वेश्चन क्रैक करने टाइम एंड वर्क है तो मुझे हमेशा एब्सेंस के पीछे भागना। तो मतलब क्या है कि जो 3 men है तो 3 men की जो एब्सेंसी होगी वो 4 women के बराबर होगी कि नहीं होगी, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? सही बात है। तो हमेशा 1 men की और 1 woman की एब्सेंसी निकाल लो, तो 1 men की एब्सेंसी कितनी आ गई दोस्तों, तो ये 4 इधर ही रहा और ये 3 कहाँ चले गए दोस्तों नीचे चले गए। तो मतलब क्या कि 1 men की एब्सेंसी कितनी आ गई दोस्तों 4 आ गई और 1 woman की एब्सेंसी कितनी आ गई 3 आ गई। समझ आया कि नहीं आया? देखो 4 women है तो 1 woman की एब्सेंसी अगर 3 है तो 4 women की कितनी होगी, तो 4 multiply by 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, एग्री करते हो कि नहीं करते? देखो नहीं हो रहा विश्वास तो मैन का देख लेते हैं कि अगर 1 men की एब्सेंसी 4 है तो 3 men की भी क्या आएगी दोस्तों 12 आएगी। मतलब क्या जो ये 43 दिन में काम हुआ 12 एब्सेंसी के साथ हुआ, तो आप लिख लो कि 12 एब्सेंसी के साथ हुआ है। मतलब या तो 3 men या
और या फोर वुमेन, तो या थ्री मैन की एब्सेंस लिखो या फोर वुमेन की एब्सेंस लिखो, तो हमेशा कितनी आएगी दोस्तों, 12 आएगी। तो बोले कितने दिन में कर देते हैं दोस्तों, 43 दिन में कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि कार्य कितना आ गया, 43 अपॉन कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। दिस इज आपका क्या आ गया दोस्तों, कार्य आ गया। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर भी सकते हो, मुझे पता कि बाद में काटना तो मल्टीप्लाई क्यों करना। बोले कि उसी कार्य को हाउ लॉन्ग, बोले सेवन, उसी कार्य को मतलब सेम उसी कार्य को बोले कि कितना समय लगेगा, तो मतलब इसी कार्य को बोला हुआ तो 43 अपॉन 12 लिखूंगा। बोले कितना समय लगेगा, तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, टाइम पूछ रहा है, तो मतलब अगर मुझे किसका कौन बदले इस कार्य को करेंगे। बोले यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों सेवन मैन प्लस फाइव वुमेन कितने दिन में इस कार्य को करेंगे, तो नेचुरल में यहाँ जो एब्सेंसी लिखूंगा वो सेवन मैन प्लस क्या फाइव वुमेन की लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अब इसकी एब्सेंसी बनाते हैं, देखो एक मैन की एब्सेंसी है वो देखो दोस्तों, एक मैन की जो एब्सेंसी है वो चार है, तो सात मैन की एब्सेंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, चार से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया दोस्तों, 28 आ गया। अब मुझे पता कि एक जो वुमेन की एब्सेंसी है वो कितनी दोस्तों, तीन है, तो पाँच वुमेन की कितनी हो जाएगी दोस्तों, तीन है, तो पाँच कितना 15, तो दोनों को प्लस किया दोस्तों कितना आया दोस्तों, 43 आ गया। तो एब्सेंसी कितनी आ गई दोस्तों, 43 आ गई। बस चुपचाप आप आंसर निकाल लो कि टाइम किसके बराबर आ गया, 43 अपॉन 12 अपॉन कितना आ गया, 43 आ गया। 43 से 43 काटा तो मतलब सात मैन और पांच वुमेन मिल जाए तो ये कार्य कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों, 12 दिन में हो जाएगा। तो ये सारे ही लेसन में आने वाले टाइम में ये सारे ही लेसन आपको बड़े शॉर्ट ट्रिकी मेथड से आपसे करवाऊंगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि द कॉन्स्टेबल इज 140 मीटर बिहाइंड ए थीफ, द कॉन्स्टेबल इज 21 मीटर एंड द टाइम विल बी द कॉन्स्टेबल कैच द थीफ। मतलब सीधा सीधा बात मैं समझाना चाहूंगा कि कोई मतलब क्या है दोस्तों, पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पर, कोई पुलिस वाला खड़ा है और इससे मतलब एक चोर को देख लेता, तो यहाँ पर ठीक खड़ा दोस्तों, चोर खड़ा कोई, तो अब इन पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है बोला कि 114 मीटर का है, कितने दोस्तों 114 मीटर का है। जो पुलिस वाले की जो स्पीड है बोला कि 21 मीटर पर मिनट है, और जो चोर की स्पीड है वो कितनी दोस्तों, वो बताया हुआ कितना दोस्तों, 15 मीटर पर मिनट है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब बोला कि नेचुरल है जब पुलिस वाला भी इस तरफ भागेगा, चोर पुलिस की तरफ तो नहीं भागेगा, वो भी आगे की तरफ भागेगा, नेचुरल है कि दोनों की स्पीड अगर 15-15 होती तो कभी क्या पुलिस वाला चोर को पकड़ पाता, कभी नहीं पकड़ पाता, कभी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि थोड़ी देर बाद देखते हैं, अगर देखते हैं तो 114 मीटर का ही क्या होता दोस्तों, गैप होता। अगर पुलिस वाला इस चोर को पकड़ पाएगा जो इसकी क्या दोस्तों, क्या दोस्तों, इसकी जो 6 मीटर जो पर मिनट की जो इसकी जो ज़्यादा स्पीड है, 6 की जो स्पीड है, उसी के कारण क्या करेगा दोस्तों, पुलिस चोर वाले को पकड़ पाएगा। मतलब क्या कि पुलिस वाला 114 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो इसे बोला गया रिलेटिविटी, बोला गया कि एक तरफ कभी भी दो स्पीडें अगर भाग रही हो तो उनकी स्पीड हमेशा क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब 21 से 15 के कितने बचते, 6 बचते हैं। तो मतलब क्या कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने लिखना है कि टाइम इंटू कभी भी स्पीड के साथ मिलते हैं दोस्तों, तो हमेशा क्या निकलता है दोस्तों, डिस्टेंस निकलता है। तो टाइम तो हमें निकालने के कब पकड़े तो टाइम लिखते, तो स्पीड एक तरफ भाग रहे हैं तो स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 आ जाएगी, मतलब 6 मीटर पर मिनट आ जाएगी। अब डिस्टेंस कौन सा कवर करना, नेचुरली ये डिस्टेंस जैसे ही कवर कर लेगा पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, 114 आ जाएगा। मतलब क्या आ गया दोस्तों, टाइम कितना आ गया, 114 बटा कितना आ गया, 6 आ गया। 6 से जैसे ही काटा तो कितना आ गया, 19 मिनट आ गया। मतलब क्या कि जो पुलिस वाला है चोर को बोला कि 19 मिनट में पकड़ लेगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन कैन रो कितना 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब क्या कि ऐसे ऐसे धारा की इस तरफ जा रहा है, अगर स्पीड हो रही है जो मतलब नाव की जो स्पीड है वो कितनी दोस्तों, 15 किलोमीटर पर आवर है। मतलब क्या कि नाव की बोट की जो स्पीड होगी प्लस किसकी स्ट्रीम की स्पीड होगी, मतलब क्या धारा की स्पीड होगी जब नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम जा रहा है। मतलब जैसे बोले कि अप स्ट्रीम जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जा रही है दोस्तों हमारी, कितनी हो जा रही है, 9 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। मतलब क्या बोट की जो स्पीड है ये माइनस क्या हो जा रही है दोस्तों, स्ट्रीम की स्पीड हो जा रही है, धारा की स्पीड क्या कर दे रही है दोस्तों, माइनस कर दे रही है। तो हमसे पूछा कि बोट की स्पीड क्या है, तो दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने सीधा याद रखना है कि दोनों जो भी होता है दोस्तों, क्या दोस्तों जो भी होता है डाउन स्ट्रीम प्लस जो भी अपवर्ड स्ट्रीम होती है दोस्तों, अपवर्ड जो भी अपवर्ड जो स्ट्रीम जा रही है दोस्तों, उसको दोस्तों 2 से डिवाइड कर दो, प्लस कर दो, तो हमेशा किसकी स्पीड आ जाती है दोस्तों, बोट की स्पीड आ जाती है। तो इन दोनों को प्लस करते हो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 प्लस कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। जब हम पढ़ेंगे उसको तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, 15 से 9 के कितना आ गया, 24, 24/2 आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, किसकी दोस्तों, बोट की होगी। अगर आपसे पूछ लेता स्ट्रीम की मतलब धारा की स्पीड क्या, तो बस सेम क्वेश्चन ही होगा दोस्तों, तो हमेशा डाउन स्ट्रीम माइनस क्या करना दोस्तों, अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर दे,
देना, मतलब 15 माइनस 9 करना, बटा कितना आ गया दोस्तों 15 से 9 गए तो दोस्तों कितने बचते हैं दोस्तों, मे बी 6 बचते हैं ना, 6 बचते हैं, 6 बटा कितना 2 होगा, काटूंगा तो धारा की जो स्पीड आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। देखो दोनों प्लस कर रहा हूँ तो 12 और 3 को प्लस करूंगा कितना हो जाएगा 15, माइनस करूंगा तो 9 आ जाएगा, मतलब हमसे सही सोचा था। अंतर हमसे क्या पूछा कि दोनों बोट की स्पीड क्या, बोट की स्पीड कितनी है 12, तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 36, 81, 144 और 225 और 256 और 441 में रॉन्ग नंबर सीरीज कौन है। अब देखो ये मुझे सामने दिख रहा है 6 का स्क्वायर है, ये भी सामने दिख रहा है 9 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, मुझे दिख रहा है 16 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, हमसे पूछा रॉन्ग कौन है। तो देखते हैं कि 6 के बाद 9 आ रहा है तो प्लस 3 हो रहा है, ठीक है ये तो, ये आगे हो रहा दोस्तों प्लस 3 हो रहा है, ठीक है आगे हो रहा दोस्तों क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, ठीक है आगे प्लस 3 होना चाहिए था, अगर पैटर्न से चल रहा तो अगला ये होना चाहिए। तो अगर मान लेते कि ये होता प्लस 3 तो यहाँ ठार होना चाहिए, मैं अगला क्रॉस चेक करूँ तो प्लस 3 करूँ तो कितना हो जा रहा है 21, मतलब क्या कि ये वाला हमारा क्या गलत है। तो डेट इज ए क्या दोस्तों आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो ये पेपर आपसे पूछी जा सकती है इस बार। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स इफ द अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द इक्वल एंगल देन। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, पहले ये समझते हैं, जिसकी क्या दो भुजाएं क्या हो दोस्तों बराबर हो और एक क्या हो दोस्तों डिफरेंट हो। तो याद रखना इसके जो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल, दो एंगल आएंगे दोनों क्या आएंगे दोस्तों सेम आएंगे, इनको ए मान लेता हूं, और ये जो एंगल आएगा हमेशा क्या आएगा डिफरेंट आएगा, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है दोस्तों दो एंगल क्या होता है दोस्तों सेम होते हैं और एक क्या होता है दोस्तों डिफरेंट होता है, मतलब दो साइडें बराबर होती हैं एक साइड करते दोस्तों डिफरेंट होती है। पर सम ऑफ ट्रायंगल मतलब सम ऑफ ट्रायंगल हमेशा कितना रहा है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा सम ऑफ ट्रायंगल हमेशा 180 डिग्री ही रहा है, जब हम पढ़ेंगे तब बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों समझते हैं। अब हो रहा है कि द अनइक्वल एंगल मतलब कि यदि असमान कोण को दुगना है, मतलब क्या यदि समान, ये कंप्लीट नहीं हिंदी में, मे बी इंग्लिश में अच्छा लिखा हो कि अनइक्वल एंगल, जो अनइक्वल एंगल है वो ट्वाइस है किसके, सम ऑफ द इक्वल एंगल मतलब क्या ट्वाइस है, तो मतलब ट्वाइस है तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 2:1 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ जो ये एंगल है तो मतलब इसको मैं मान लेता हूँ, ये जो ये एंगल है डिफरेंट एंगल है तो इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट एंगल है, ये फर्स्ट एंगल डिफरेंट है, तो ये ट्वाइस है मतलब सम है, और ये दोस्तों सम है, सम है तो मतलब क्या है कि इसमें जो एक एंगल होगा वो 0.5 होगा, तो क्योंकि दो एंगल क्या होते हैं दोस्तों सेम, तो इसमें क्या होगा दोस्तों 0.5 क्या होगा दोस्तों 5, इनको प्लस करूंगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब सभी की जो रेशियो बन रही है वो क्या बन रही है, तो यहाँ पर थोड़ा टिपिकल हो रहा है दोस्तों, तो इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं कैसे कि मान लेते हैं ट्वाइस है तो हम 4:2 भी ले सकते हैं, देखो ट्वाइस है तो मतलब जो जो एक डिफरेंट एंगल होगा वो 4 के बराबर है, और जो दोनों सेम है वो कितना है दोस्तों 1:1 कितना है दोस्तों 1 है, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, पर थोड़ा टिपिकल हो जा रहा है, मतलब आप कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो थोड़ा आप स्मार्ट वर्क से भी इसको कर सकते हो। देखो अब आपके मुताबिक एक एंगल 4 है वो, और दोनों सेम है तो कितना आएगा दोस्तों 1:1 आएगा, पर इनका सम आपके मुताबिक कितना आ रहा है दोस्तों 6 है, पर आपके मुताबिक कुछ नहीं आएगा, इनका एंगल एग्जामिनर के मुताबिक 180 डिग्री है, तो आपका एक एग्जामिनर का कितना आ गया दोस्तों 180 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 30 डिग्री आ गया। तो हमसे पूछा हुआ है कि प्रत्येक बराबर कोण का है, तो मतलब प्रत्येक बराबर जो कोण है उनका एंगल कितना है, तो एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू के 30, मतलब ये दोनों कितने हैं दोस्तों 30 डिग्री के हैं, अगर ये 30 डिग्री के नेचुरल ये कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का होगा। अगर ये पॉइंट में ऐसा होता तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं हो सकता, हो सकता, देखो 0.5 आ जाता, ये रेशियो बना लेता 0.5 बना लेता, अगर इसकी मैं अगर रेशियो बना लूं तो कितना आएगा 5/10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 5/10 आ जाएगा, 5 से काटा कितना 1/2, 5/1/2, और 2 से एलसीएम लिया तो 4:1, घूम फिर के गाड़ी भी कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गई। पेपर जो क्रैक होंगे दोस्तों स्मार्ट तरीके से क्रैक होंगे, ना कि आप थ्योरली मतलब करते हुए आप क्वेश्चन, हमेशा स्मार्ट वर्क लगाना, हमेशा स्मार्ट वर्क से ही पेपर क्रैक किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कितनी दोस्तों, इतनी और इंक्रीज बाय 10%, मतलब क्या सीधी सीधी बात की कि पहले साल अगर 100% होगी तो अगले साल कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, फिर अगले साल फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों 100% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों 110% हो जाएगी, तो इसकी मैं रेशियो बना लेता हूँ दोस्तों, तो ये रेशियो बना ली दोस्तों, तो मतलब पहले साल 10 से कितनी होगी 11 होगी, और दूसरे साल भी कितनी बढ़ी दोस्तों 10 से कितनी होगी दोस्तों 11 होगी, मतलब अगर ए से बी बढ़ रही है तो फिर बी से बढ़ रही है ना, तो बी से क्या हो जाएगी सी हो जाएगी, मतलब पर ये बी सी क्या दोस्तों सेम नहीं है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 10 से कर देता हूँ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 11 से कर देता हूँ, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आ गया दोस्तों, तो ये कितना आ गया दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 10 से किए तो कितना आ गया दोस्तों 100, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 110, इसको किया तो 110, और इसको किया दोस्तों कितना आ गया, इसको किया तो 121 आ गया, मतलब क्या मेरे पास क्या आ गया दोस्तों ए बी सी, मतलब ए के पास 100 थी, अगले साल कितने 110 होगी, अगले साल कितने होगी 121 होगी, समझ आया कि नहीं आया, पर स्टार्टिंग में हमारी जो प्रेजेंट थी वो कितनी थी दोस्तों 100 थी, तो आपका 100 एग्जामिनर का कितना आ गया दोस्तों
1,80,000 आ गया। तो हमेशा आपका एक एग्जाम का कितना आ जाएगा, 1,80,000 बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, मतलब एक की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 1,800। हमसे क्या पूछ रहा है, 2 साल बाद, तो 1 साल में इतनी बड़ी, दूसरे साल में इतनी बड़ी, मतलब आपके मुताबिक कितनी होगी दोस्तों, 121 होगी। तो आपका 121, तो कितना आएगा, 121 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, 1,800। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 18 कम 18, 1 18 2 36 कितना, 37 कितना, 3 18 कम 18 कितना आ जाएगा, 21, मतलब 2,17,17,800 क्या हो जाएगी आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2, मतलब रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों समझते हैं। तो ये लेंथ आ गई आपकी दो, ये क्या आ गई दोस्तों, ब्रेथ आ गई, ठीक है। अब बोला कि इसका जो पैरीमीटर है, मतलब पैरीमीटर बाहर बाहर का आएगा दोस्तों, देन द एरिया क्या होगा, तो दोस्तों तो हमें रेशियो में दिए हुआ है, तो ये रेशियो में दिए हुआ है, तो इसका जो पैरीमीटर है वो दिया, पैरीमीटर बाहर होता है तो 3 ये आ गया मेरे मुताबिक, 2 ये लेंथ आ गई, 3 आ गई, और ब्रेथ क्या आ गई, 2 आ गई मेरे, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया दोस्तों मेरे मुताबिक, ये भी 3 आ गया, ये भी क्या आ गया दोस्तों, 2। अगर इनको प्लस करता हूँ तो मेरे मुताबिक जो पैरीमीटर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो मेरे मुताबिक आ जाएगा 10। मेरे मुताबिक कुछ नहीं होगा, एग्जाम ने वैल्यू दिया है कि पैरीमीटर है वो 20 मीटर का, तो आपका 10 एग्जामर का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आपका एक एग्जामर का कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 बटा कितना आ जाएगा, 10 का आटा कितना, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 आ जाएगा, मतलब एग्जामर के मुताबिक लेंथ कितनी दोस्तों, 6 है। तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4, तो एग्जामर के मुताबिक कितना है, ये 4 4 है। तो हमसे क्या पूछा, एरिया, तो एरिया कैसे निकालते हैं, जब लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाए, गुणा हो जाए, तो मतलब क्या, 6 × 4 गुणा करता हूँ, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपका सलूशन दे दिया जाएगा, कोई भी आपको डाउट होता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसी तरह हम चलते हैं, जय माता दी।